हाँ, तो फोटोनिक इफेक्ट पढ़ रहे थे हमने, आपसे बात कर ली थी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी की, फोटॉन्स का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है, टोटल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे मैं आप बात कर चुका था, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता ही नहीं है, इनफैक्ट बहुत दूसरी एनर्जी इसके आते हैं क्योंकि कुछ अंदर टकराने में चली जाती है, जितने लाइट फोटोन गिरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, उससे बहुत कम परसेंटेज के बाहर आते हैं। सेकेंड बात, हमें कैसे पता पड़ा भाई साहब कि कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया बाहर, हाउ वी विल जस्टिफाई इट, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं हमने उनसे पूछ लिया तुम्हारी कितनी काइनेटिक एनर्जी, नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बेसिकली दिस इज अ रियल सेटअप जिसपे सारी कहानी करी जाती है। अब कैसे करी जाती है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुने। यहां पे एक ऐसा समझो कि एक प्लेट लगी हुई है, मैं इसको जीरो पोटेंशियल कर देता हूं, एक मिनट, अभी दौड़ रहे हैं बहुत रफ्तार में, अब हम थोड़ा सा वो डिटेल देते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले की कितनी वेवलेंथ होगी, 300, वो ले आते हैं एक, तो अपन और वेवलेंथ अपन 50 रख लेते हैं ताकि बढ़ाएं घटाएं तो पता पड़े, और पोटेंशियल अपन 0 ले आते हैं। ठीक है, तो अपने ये सभी चार्जेस पहुंच रहे हैं, यदि 0 क्यों नहीं हो रहा साला, पर फंक्शन, पर फंक्शन क्या कर रहा है, 4 क्यों कर रहा है। ठीक है, अपने जो भी फोटोन गिरा रहे हैं उनकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है 4, क्योंकि मैंने वेवलेंथ रखी 310, कितनी 310, ये 0.06 इसे 0 मान लो, माइनस में बहुत कम है। आपको एक बार थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे पहुंच रहे हैं या कुछ पहुंच रहे हैं कुछ नहीं पहुंच रहे, कुछ नहीं पहुंच रहे। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ रही, अच्छा ये बात अब देख ध्यान से अच्छे से क्या हुआ। आप सोच, जो इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचे, इस समय 0 पोटेंशियल है, कितना है करंट, कितना है 19 मिली एम्पियर, कितना है, मैं पोटेंशियल को बताता हूं नेगेटिव में। नेगेटिव का क्या मतलब है ध्यान सुने, पहली बात अपन एक समझे, यहां पे मेटल सरफेस लगी हुई है जहां पे बेसिकली लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, और ये दूसरी प्लेट है जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते तो करंट की रीडिंग देते हैं। अभी हमने ऐसा माना कि अभी कोई पोटेंशियल लगा नहीं रखा, अरे हाँ ना बोलिया, अगर हम बैटरी के साइन को ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा कि अगर अपन ऐसे लगाएंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हम सपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मतलब प्लस और माइनस, ये पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ और ये प्लस और माइनस, ये क्या हुआ नेगेटिव, यार हाँ ना बोल, तो ऐसे पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, ऐसे पोटेंशियल मतलब, ऐसे पोटेंशियल करने का क्या मतलब है, क्या इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज अपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो फोर्स ऐसे लग रही है भाई साहब, अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, अब बहुत बढ़िया। अब ध्यान सोचते हम क्या करें, पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, अभी उतारना मैं सब लिखवा दूंगा आपको, हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव साइड में, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं अपोज, बता करंट का क्या होगा, अगर मैं इस पोटेंशियल को लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा घटेगा, लॉजिकली सोच करके तो दिखाई दूंगा, अभी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, जल्दी से बोलो, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे थे उससे कम होंगे, क्योंकि उनको अपोजिशन मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है, घटाते हैं थोड़ा थोड़ा घटाते हैं धीरे धीरे, अगर हमने ये एनिमेशन सही से बनाया सब कुछ सही से होगा, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट, पॉइंट 0.01 पे 40 मिली एम्पीयर है करंट, कितना है, मतलब 0 के आसपास लगभग, फिर हमने थोड़ा सा माइनस 0.06 करा तो 19 हो गया, कितना हो गया 19 हो गया, और करते हैं 18 हो गया, लेफ्ट में बढ़ा रहा हूं, 16 हो गया,
हाँ 14 एम्पियर हो गया, देखो 10 मिली एम्पियर, 8, 7, 6, 5, 4 एक हो गया है तो लगभग लगभग 2। ये देख ये पहुंचा, ये ओए नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। असलियत में 2 वोल्ट आया, कितना आया? इसका कारण समझाता हूं आपको, सुनना। हमने फोटोन कितने का गिराया? 4। कितने का? 4। वर्क फंक्शन में कितना चला गया? 2। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? 2। इसका मतलब हमें कैसे पता पड़ा कि मैक्सिमम एनर्जी 2 थी? वो ऐसे पता पड़ी इस डेटा से। ध्यान सुनना कैसे। मान लो कि मैं यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता है विद काइनेटिक एनर्जी समथिंग। अब यहां क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो मान लो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे पोटेंशियल वी और यहां पे 0। तो अगर आप सोचो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचते सबसे ज्यादा किसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? जो कि जस्ट यहां तक पहुंचा होगा। अरे नहीं आया, बाकी चले ही नहीं पड़ गए, बहुत सारे तो यही नहीं से आ गए। मैक्सिमम वो जो इस रेट तक आया, ओ वाह वाह, अरे नहीं आया। जो यहां तक पहुंचा कितनी एनर्जी के साथ पहुंचा? जस्ट 0। हमने पोटेंशियल को धीरे धीरे घटाया और तब तक घटाया जब तक ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले जो जस्ट यहां पहुंचे। जस्ट यहां पहुंचे मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? यहां पर पोटेंशियल कितना है? माइनस ई थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस ई थी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अरे हाँ ना बोल। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज ईवी? काइनेटिक एनर्जी इज ईवी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था वो भी इस तक अरे नहीं आया, उसको भी जस्ट रोक लिया गया, उसको रोक लिया गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्स के साथ आया था वो भी नहीं पहुंचा, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कितनी? ईवी। और ये वी कहां से पता पड़ा? ये रहा 2। यार तुम्हें नहीं आया। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तुम्हें समझ नहीं आया? दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझेगा अच्छा लगेगा। दिस इज नोन एज कौन सा पोटेंशियल? ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि अगर हम इसे पीछे ले जाएं, अगर हम इसे पोटेंशियल को, तो क्या करंट घटता है? घटाते घटाते एक वैल्यू ऐसी आएगी जब करंट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। उसका मतलब क्या है 0 होने का? कि वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था वो भी जस्ट यहां तक पहुंचा है। अरे यार इसका मतलब क्या? ईवी यानी कि वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी इज द इस पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी वहां नहीं पहुंच पाता। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ईवी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ईवी। अगर आपको बोला जाए कि इस एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कितना है? तो तू समझ जाएगा भाई साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ईवी का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। यार तुम्हें नहीं आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने बोला 4 वोल्ट, तू समझ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं पता पड़ता है। पहले तक क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। अब सोच प्रैक्टिकली तुझे क्या दिया होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्रैक्टिकली तो वही आएगा। तेरे को सवाल में क्या दिया होगा? काइनेटिक एनर्जी की स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा तेरे को, पहले था यस और नो। क्या गिवन होगा तेरे को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे लगा तुम्हें आया, आया नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लिखूंगा फिर से समझाता हूं। एक्सपेरिमेंटली जब हमने पोटेंशियल को नेगेटिव साइड बढ़ाया, नेगेटिव साइड बढ़ाने का मतलब वी आर अपोजिंग इलेक्ट्रॉन्स, वी आर अपोजिंग। जब हमने धीरे 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 ये काम करा तो एक वैल्यू है, तो हमने देखा कि करंट घट रहा है। एक वैल्यू ऐसी आई जिससे करंट 0 हो गया। अगर हम ध्यान से सोचे तो यह वह वैल्यू है जब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला है उसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन भी वहां पे पहुंच नहीं पाया। अरे हाँ ना बोल। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला होगा वो भी वहां तक नहीं पहुंचा, और अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ईवी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू वेयर वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर वी इज द। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है
वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी वोल्ट। तुम्हें लगा नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर तो क्या, अच्छे से सोचो 30 सेकंड, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? तो चाहे तो मैं तेरे को चेंज करके बताता हूँ। देख, सिस्टम पोटेंशियल दो ही आना चाहिए, देख क्यों, क्योंकि सोच करने की मैं अपने हिसाब से कितनी दो का डाला, एक और वैल्यू लेके देख लेंगे अभी कितने का डाला, वर्क फंक्शन कितने का, दो का डाला, कितने का, चार का। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स दो आनी चाहिए थी? हाँ, तो रही है। अरे हाँ ना, बोल। और वैल्यू लेके देख लेते, देखो समझ में नहीं आया, देख ध्यान से। अगर अपन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाले, कितने का, मैं तो कह रहा हूँ 5 का डालो तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए था, 1240 by λ = 5, 1240 by 5 तो कितना हुआ ये, 2 5 8 4 8। अरे हाँ ना, बोल। तो लैम्डा के लिए हो गए 248। क्या 248 पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वर्क फंक्शन अपन दो ही रखते हैं। कितना रखते हैं? या ढाई कर लो, जैसा तुम बोलो, दो कर लेते हैं, दो प्लस दो ही रहने देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी आनी चाहिए? 3। कितनी आनी चाहिए? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? चेक कर लेते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं भाई साहब, पहले से 0 0 ले आते हैं भाई, ठीक। अब देख इसको कितना लाना था, 248 ना, 248 तो होगा ही नहीं, वैल्यू नहीं होगी, नहीं है 278 तक ही है। तो अपन इसको एक काम करते हैं ना, इसको 4 ले लेते हैं, नहीं 4 तो अपने अभी भी ली थी, 3 ले लेते हैं, 3 कितना, 3, और वर्क फंक्शन को चेंज कर लेंगे, तो 3 लेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 12, कितना हुआ, 3 हो गया, 310, हाँ मैं सही तो कर रहा हूँ, 430, 413। अरे हाँ ना, बोल। थोड़ा और अच्छा लेते ना, बारह किससे कटेगा, 300 से कट जाएगा क्या, 400 से, 400 कट जाएगा ना, 400 ले लो तुम तो। अरे चुप करो, 400 ले लेंगे तो 4 सही तो कट रहा है, 4 3 12 12, और ये 3.1 ले लेते हैं, तो 3.1 ले लेते हैं, तो इसे 3.1 ले लेते हैं, और मैं कह रहा हूँ इसको ले लेते हैं 2.1 कितना ले लेते हैं, तो कहने के लिए नहीं 2.1 पहले ले लिया, 1.4 नहीं आएगा, 400 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और ये 3.1 में से 1.4 किया तो कितना बचा, 1.7, ठीक है, तो इसे 1.4 ले लेते हैं, ठीक है, 1.6 लेते हैं, अच्छा आएगा, 1.6 में कितना आएगा, 1.5, ठीक, ये हो गया भाई साहब। अब 0 चल रहा है सब कुछ, करंट 40 एमिली एम्पियर दिखा रहा है अभी। अब अपन जो है थोड़ा सा इसको पीछे शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सोचो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 1.5 कितना आना चाहिए, चलो पोटेंशियल घटाते हैं, मान लेते। अरे हाँ ना, बोल यार, 1.46, वही 1.5 अप्रोक्सीमेटली, देख 0 हो गया करंट, कितना हो गया 0, जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ आया वो भी क्या जस्ट यहां, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। या जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल, क्या एक्सपेरिमेंट में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आया, क्या आपने डायग्राम बनाया है,
अब बनाओ उसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इतने दिनों दो लेक्चर से उसके साथ खेल रहे हो, बना तो लो कम से कम उसको। बनाओ फिर मैं लिखाता हूं। अब लिखें पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कि ग्राफ रहा मत बनाना अभी, आई एक्सप्लेन इट टू यू। ये सही भी नहीं है ग्राफ, ऐसा मत बनाना। ये ग्राफ सही नहीं है, ऐसे मत बनाओ। ये ऐसे कर्व आता है जूम, अभी बनवाऊंगा टेक्स्ट मतलब। पहले लिखो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब जब हम ऐसे पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करे। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हम ऐसे पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करे। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब, एंड नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब हम ऐसे पोटेंशियल लगाएं, एंड नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब हम ऐसे पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे। क्लियर है एकदम? यहां पर लिखना है मेटल शीट है डायग्राम में, ये मेटल शीट है अपोज करे, ठीक है। यहां जो लाइट गिर रही, जहां गिरती हुई जहां में दिखाई है वहां पे लेमडा एफ ऐसे लिख लो। ये मेटल शीट है, इसका वर्क फंक्शन फाइव लिख लो डायग्राम में, ताकि तुम्हें सब कुछ वैलिडिटी समझ में आए। डायग्राम में है ना, जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई मान लो, क्या मान लो आई इंटेंसिटी मान लो। बोलो क्लियर है एकदम? लेमडा एफ मान लो, यहां पे जो है इसका वर्क फंक्शन फाइव लिख लो। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। वर्क फंक्शन फाइव लिख लो और फाइव के आगे वर्क फंक्शन लिख लो और उसमें लेमडा नॉट एफ नॉट लिख लो, और जो यहां पे लेमडा और एफ लिखो उसको ग्रेटर देन एफ और लेस देन एफ लेमडा नॉट लिख लो। अरे लाइव फोटोन के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट एंड लेमडा इज लेस देन। तो बना लो डायग्राम में सब कुछ, ताकि इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकलते हुए दिखाए हैं, दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हुए, तो इसका मतलब लाइव फोटोन गिर रहे हैं। कौन गिर रहे हैं? लाइव नालायक थोड़ी गिर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है भैया जी, उन्हें पहली बार इतने धीरे। अगर अभी तुमने सवाल गलत कर दिए ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो कुछ नहीं, तो उसमें क्या है। बाकी सब भी तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो कौन सा सही कर रहे हैं। ये देख, चलिए आइए नेक्स्ट कम टू द पॉइंट नाउ। अब हम पढ़ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पढ़ रहे हैं? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स दोनों एक ही बात है। वो तो मैं समझ लो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब कहानी लिखते हैं पूरी। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अगर हम पोटेंशियल को के मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बढ़ाएं, अगर हम पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बढ़ाएं, धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बढ़ाएं, धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि करंट घट रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट डिक्रीजेस। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट डिक्रीजेस। घटाते एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी पोटेंशियल की, घटाते एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी पोटेंशियल की जिस पर घटाते एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी पोटेंशियल की जिस पर करंट जीरो हो जाएगा, जिस पर करंट जीरो हो जाएगा।
जिस पर करंट जीरो हो जाएगा। मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था, वह मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था वह दूसरी प्लेट पर जस्ट पहुंचते पहुंचते रह जाएगा। मतलब दूसरी प्लेट पर जस्ट पहुंचते पहुंचते रह जाएगा। रह जाएगा, ये बना लो। वैसे एनिमेशन से पढ़ाओ तो मजा आता है ना। कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता, तो पिक्चर देख के देख रहे थे। हाँ, कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत अच्छे से इससे समझाए जा सकते हैं। क्या लगता है तो इतने बेकार तरीके से क्यों बोल रही है? अच्छी लगती है। उतार लिया क्या? उतार लिया, अब ले। So we can say that maximum kinetic energy of the electron ejecting from the surface, is EV. Where V is known as stopping potential. समझ में आ रहा है क्यों उसे stopping potential बोला है? बोलो, clear है? Where V is known as stopping potential. Full stop, para change. जब भी experiment में stopping potential given हो, जब भी एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो, बोलो क्लियर है एकदम? जब भी एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो, क्लियर है एकदम? पक्की बात? जब भी स्फीयर में स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब सोचो जब सवाल आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स गिवन होगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या गिवन होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा। तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालना पड़ी बात? कुछ भी पूछा जा सकता है। आप कह रहे हाँ ना बोल, लगाएं तुम्हें आया तो दोस्तों, आपकी इक्वेशनों से काइनेटिक एनर्जी मैक्स की बजाय ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से देखो आप, अच्छे से ऐसे लिखा जाता है उसको, देखो ध्यान से। HF इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस ईवी एस। ईवी एस क्या है? आया नहीं आया? अरे पक्की बात? मैं आप और अच्छे समझाता हूं, देख कैसे लिखना चाहिए तेरे को। 1240 by λ0 इन एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1240 by λ0 इन एंगस्ट्रॉम प्लस वी एस, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है।
अरे यार तो ये बी एस अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया ना भाई, यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, कंफ्यूज होने की जरूरत है। जब मैंने एच एफ और एच एफ नॉट लिखा है तो मैंने इनको जूल जूल में लिखा है, इसलिए उसको ईवीएस लिखा है। यूनिट समझ नहीं आई यार, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा हूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा हूं तो ये भी, तो चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, 4 × 1.6 × 10⁻¹⁰ लगोगे, चार रखोगे अगर ऐसे रख रहे हो तो। अरे हाँ बोल, यूनिट की गलती मत करना, पहले था जो मैं बोला चमका। अब मैक्सिम सवालों में क्या आएगा, आपको बोला जाए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस इज सपोज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सपोज इज दिस, एंड जो लाइट रे गिर रही है उसकी वेवलेंथ ये है, पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, क्या निकाल सकता है? गर्मी लगाई तो मैं आया, आया नहीं आया। अब मनमान सवाल आते हैं, मतलब इसमें कमी नहीं है साला, मतलब जितने सवाल चाहो उतने पूछ लेते हो। कहता जो मैं बोला क्या चमका, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, अरे सोच लो। बहुत बढ़िया, तो ऐसे बहुत सारी अपनी इक्वेशन हो सकती है, अगर अपन चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नैनोमीटर में लेना चाहो तो लैम्डा इन नैनोमीटर, लैम्डा इन नैनोमीटर प्लस वी एस, वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई शक वाली बात। एच एफ में लिखना हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कभी वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया तो वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं, प्रता यस और नो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अगर ऐसे दे रखा है तो 1 2 4 जी आपकी कॉल है कि आपको किसी दिया, आपको बात समझना चाहिए, रखना मत इसको, फील करना जो मैं आपको कह रहा हूँ। 5 पर इसमें लिखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस वी एस, बोल यस और नो। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समाज आया नहीं आया, आया नहीं आया, जैसे वो पूछ ले। खैर यहां तक हमें बात समझ में आई, यहां तक हमको सब कुछ क्लैरिटी भी थी। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि जब हम जीरो वोल्ट पे थे, किस पे थे? जीरो वोल्ट पे। ध्यान से देखते हैं, अब मैं छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, जीरो वोल्ट पे ले आते हैं इसको, ठीक। कितना करंट? 19 मिली एम्पियर। कितना? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला सीख रहा हूं। कितना? जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे सारे यहां पहुंच रहे, कुछ पहुंच रहे और कुछ मान लीजिए 1000 निकले तो 550 ही पहुंच रहे, ऐसा अंदाजन बता रहा हूं मैं आपको कि अगर 1000 निकले थे तो देख कुछ देख वापस आके अब्सॉर्ब भी हो जा रहे, देख तो डायग्राम में दिख रहा हो तो सब ये अच्छी दिखाई हुई है इसमें, कुछ निकल के वापस ऐसा होता है रियलिटी में। अरे हाँ ना बोल यार, या उस साइड डायरेक्शन में निकले इसमें सीधा निकलते हुए दिखा रहे, कोई इधर निकले टकरा के वापस आ गए, अरे हाँ ना बोल यार। तो जितने यहां से निकले उतने सारे यहां पे नहीं पहुंचे जीरो वोल्ट में, जो रियलिटी में हो रहा था। 1000 में से हो सकता है 500 पहुंचो, 600 पहुंचो, 700 पहुंचो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब अगर मैंने पोटेंशियल अपोजिट में लगाया था तो इलेक्ट्रॉन जितने पहुंच रहे थे उससे और कम होते गए और एक वैल्यू ऐसी आई जिसमें वो जीरो हो गए। जब हमने पोटेंशियल नेगेटिव में घटाया था, मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ाया था, तो क्या जितने इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट डिक्रीज करना चालू कर गए थे? यार नहीं आया, ठीक। अब उल्टा करते हैं, अब पोटेंशियल बढ़ाएं जीरो से तो क्या होगा? बोल, जीरो से बढ़ाए तो क्या होगा? क्या करंट बढ़ेगा? क्या करंट बढ़ेगा? क्या हमेशा बढ़ता रहेगा? क्या पोटेंशियल बढ़ाते जाओ क्या करंट बढ़ता जाएगा? पोटेंशियल बढ़ाओ क्या करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी अगर जीरो वोल्ट में 1000 वोल्ट निकल रहे थे, 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 500 पहुंच रहे थे, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या ज्यादा पहुंचेगी कि कम? ज्यादा। तो क्या करंट बढ़ेगा? 500 के 600, 600 के 700, 700 के 800, 800 के 900, 900 के 1000 और बढ़ाओ। अरे यार 1000 निकल रहे थे सब पहुंच रहे हैं यार, अरे यार 1000 निकल रहे थे सब, उससे ज्यादा क्या होगा? बड़ा करो पोटेंशियल। अगर सारे पहुंचने लग गए, अगर सारे यार उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द प्लेट सेम रहेंगे कि चेंज होंगे? इट मींस करंट सेम रहेगा, इट मींस एंड दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, एंड दैट इज नोन एज। एक छोटी सी वैल्यू के बाद ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके बाद करंट बढ़ना पॉसिबल नहीं। अरे यार इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस इज रीचिंग द अदर प्लेट, इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल व्हाट विल चेंज? नथिंग। अरे जितने निकले सबको पहुंचे, अब क्या ध्यान नहीं लोगे हमारी? यार हाँ ना बोल, अगर मुझे लगा तो मैं आया, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम इस बात चीज को बात को करते हैं, ध्यान सुनना। आइए 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 मेहरबान कदरदान, देखिए बढ़ाओ धीरे से क्योंकि इसमें थोड़ा सा बढ़ाते ही बात बन जाती है। कितना हो गया एकदम से? तुम्हें देखा जीरो से नेगेटिव से जस्ट पॉजिटिव में एकदम से बढ़ा, तो इसलिए बढ़ा क्योंकि पॉजिटिव होते क्या मैक्सिमम पहुंचने लग जाएंगे। अब एक शायद बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ा के कुछ नहीं बढ़ा,
ये 40 ही सेचुरेशन है इसका, सारे जितने निकल रहे हैं वो सब, जितने निकल रहे हैं सब पहुंच रहे हैं, कंटिन्यूस निकलते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। करंट कितना आया? 40। अब देखो पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, एक लिमिट के बाद कुछ भी नहीं बढ़ा, करंट बढ़ा कि उतना ही रहा? अरे नहीं आया, दैट इज नोन एज सेचुरेशन करंट। से क्या मतलब, एक सेकंड में जितने निकले उतने ही तो पहुंचेंगे यार। अगर यहाँ एक सेकंड में 1000 निकल रहे हैं तो यहाँ 5000 पहुंच सकते हैं क्या? कंफ्यूज मत हो, स्पीड बढ़ गई ठीक है, पर पहुंचे 1000 ही। अरे जी निकले ही 1000 है भाई, निकले ही। अरे नहीं आया, नहीं आया, तो वैल्यू तो 1000 ही रहेगी ना। तो करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन चार्ज पर सेकंड। तो 1000 पहुंच रहे तो चार्ज कितना बचा? 1000 इंटू ही। अरे यार 1000 इंटू दैट्स इट, एंड दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, एंड दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिजल्ट में हमें क्या चीज से पता पड़ता है? पोटेंशियल और एम्पियर, हम इसे इसी से ही तो डिनोट कर सकते हैं। तो इन्हें रियलिटी में प्लॉट करा जाता है, ध्यान से देख। ऐसे पोटेंशियल, जब जीरो पोटेंशियल था जो करंट था वो मैक्सिमम था कि कुछ बीच का था? जब पोटेंशियल जीरो था, जब पोटेंशियल जीरो था तो जो करंट था वो जीरो था कि कुछ था? नेगेटिव में बढ़ाओगे पोटेंशियल तो क्या करंट घटेगा? करंट एक वैल्यू ऐसी आएगी जब जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? उसके बाद रियलिटी में ग्राफ ऐसा आता है, करंट थोड़ा थोड़ा घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, यहां पे जीरो पे कुछ वैल्यू है, ऐसे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और स्टैग्नेट कर जाता है। और ये करंट क्या कहलाता है? सैचुरेशन करंट। क्या कहलाता है? सैचुरेशन करंट। अरे हाँ ना बोल, ये बी वोल्ट में ये सैचुरेशन करंट, दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। दिस इज अ रियल ग्राफ जो मैंने आपको बनाया है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है सही नहीं है, और ये है रियल ग्राफ सैचुरेशन करंट का। मतलब तुम्हें फील आई थोड़ी थोड़ी? जीरो होगा तो सारे चार्जेस नहीं पहुंच रहे होंगे इसलिए करंट कुछ होगा, अगर हम और बढ़ाएंगे तो क्या सारे के सारे पहुंचने लगेंगे? पर उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं। पर अगर करंट घटाओगे, सॉरी पोटेंशियल घटाओगे नेगेटिव साइड में, तो करंट घटेगा और घटते घटते एक वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो जीरो आ जाएगी उसे क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? उसके नीचे अगर आप पोटेंशियल और पीछे भी ले जाओगे तो करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं। करंट जीरो ही रहेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ईमानदारी से बोलो ग्राफ समझ आया नहीं आया? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ यही है जो वोल्टेज और करंट के बीच में बनाया जाता है। यस और नो? यस और नो? जो बोला चमका? भारत माता की। क्लैरिटी है? सैचुरेशन करंट समझ आता है या नहीं आता है? पक्की बात? अब हेडिंग डाल सैचुरेशन करंट, अब हेडिंग डाल सैचुरेशन करंट। अब हेडिंग डाल सैचुरेशन करंट, लिख अगर हम पोटेंशियल को, ये उतार लिया क्या? ये उतार लो ना, एक दो चीजें जो उतारनी है उसमें क्या है? चलो पहले अगर मगर लिख लो। अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिव साइड पे बढ़ाएं, अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिव साइड पे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे करंट बढ़ने लगता है। तो हम देखेंगे कि करंट बढ़ने लगता है। हमने देखा कि करंट बढ़ने लगता है, पर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट के बाद, बट एक सर्टेन वैल्यू के बाद पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ करंट बढ़ना बंद हो जाता है। करंट बढ़ना बंद हो जाता है, हाँ, एक सर्टेन वैल्यू के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है। करंट बढ़ना बंद हो जाता है, क्या हो जाता है? करंट बढ़ना बंद हो जाता है। यार तुम्हें नहीं आया? करंट बढ़ना बंद हो जाता है, इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट को सैचुरेशन करंट
कहते हैं। इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट को सैचुरेशन करंट, हवा जी क्या कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीरो वोल्ट पर जितने इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से निकल रहे थे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीरो वोल्ट पर जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, सरफेस से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनका कुछ पार्ट, उनमें से कुछ, ऐसे नहीं उनका कुछ पार्ट, नहीं इलेक्ट्रॉन तोड़ दोगे तुम लोग, उनमें से कुछ अदर प्लेट पे पहुंच रहे थे और कुछ नहीं पहुंच रहे थे, उनमें से कुछ अदर प्लेट पे पहुंच रहे थे और कुछ नहीं पहुंच रहे थे, काले उनमें से कुछ अदर प्लेट पे पहुंच रहे थे और कुछ नहीं पहुंच रहे थे। बोलो क्लियर है, कुछ नहीं पहुंच रहे थे। जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो धीरे धीरे वह इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचने लगे जो नहीं पहुंच रहे थे। जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो धीरे धीरे वह इलेक्ट्रॉन भी पहुंचने लगे जो नहीं पहुंच रहे थे। तो धीरे धीरे वह इलेक्ट्रॉन भी पहुंचने लगे जो नहीं पहुंच रहे थे, जो नहीं पहुंच रही थी। ऐसा करते करते कहानी लिखिए, ऐसा करते करते जब सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पर पहुंचने लगेंगे, ऐसा करते करते जब सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पर पहुंचने लगेंगे या दूसरी प्लेट पर पहुंचने लगेंगे, उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट रिमेन्स द सेम, और वी कैन से करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। बोलो क्लियर है। अब वो वाला जो उधर बोर्ड पे लिखा है और जो यहां ग्राफ बन रहा है, ये बना लो, सैचुरेशन करंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनना। हो गया, एक सवाल पूछता हूं, है ना। दो सरफेस है, सेम सरफेस है, मतलब सेम मेटल है, ठीक। दोनों पे दो लाइन गिरी, एफ आई, F1 I1 F2 I2, दोनों के आई और वी का ग्राफ ऐसा बना, देखें ध्यान से, करंट मिली एम्पियर। इधर सुने, ए की सरफेस थी
उसमें दो अलग अलग लाइट गिराई गई, आई और एफ। मैं लेमडा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एफ है तो लेमडा अपने आप वो सी बाई लेमडा, बोल यस और नो। ठीक, अब दोनों के लिए ग्राफ बने, दोनों के लिए ग्राफ कैसे, मैं आपको बताता हूं। वन और टू क्या कमेंट कर सकता है तू, एफ वन एफ टू और आई वन आई टू। कमेंट ऑन एफ वन एंड एफ टू, कमेंट ऑन इंटेंसिटी आई वन एंड आई टू। मेरा सवाल सबको क्लियर है? पक्की बात? मैं आराम से आपको जो पढ़ाया है ना, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, बहुत टफ सवाल नहीं है ये, है ना। हालांकि मैं कुछ और पढ़ा देता भी आपको तो आपसे हो ही जाते, पर फिर भी अक्कल लगाए खुद। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं दो सवालों के, कमेंट ऑन एफ वन एंड एफ टू, कमेंट ऑन आई वन एंड आई टू। ठीक है, ऑप्शंस क्या है सुने, एफ वन ग्रेटर देन एफ टू, एफ टू ग्रेटर देन एफ वन, एफ वन इक्वल टू एफ टू, नॉट पॉसिबल टू कमेंट। मन में ना, मन में तुम भी ना भावुक हो जाते हो। आई वन ग्रेटर देन आई टू, आई टू ग्रेटर देन आई वन, आई वन इक्वल टू आई टू एंड डी इज सेम। ऐसे मैं समझ लिया, सी वाला कर लिया, तुम्हारा कोई भरोसा? अरे सही समझते हो ना, इधर से लाओ ना। अरे अच्छा सुलह हो गई तुम दोनों की, लड़ाई नहीं होती, ठीक है करवा देते हैं। ये तो कर अभी हाँ, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं कमेंट ऑन एफ वन एंड एफ टू। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, कमेंट ऑन आई वन एंड आई टू। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, बहुत बढ़िया। ऐसे क्या बोलू मैं, मतलब तुम किसी के लिए आत्मा तृप्त कर सकते हो, मतलब तुम अकेले काफी हो किसी को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए। इतना टैलेंट कैसे लाया, मतलब तुम, मतलब कई लोग तो कसम खा के उतरे हैं साला इसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये फिजिक्स सिखा सकता है, हम तोड़ के बताएंगे। आज तक साला हमारे जैसा कोई नहीं मिला इसको, क्या कहते हो यार? यस सर, चले आठ ऑप्शन अवेलेबल है। ये किस, ये क्या नॉट पॉसिबल ही देना होता तो मैं कहीं नहीं सवाल पूछता। हो भी सकता, खैर मुझे एक चीज बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छी चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, यस और नो? सोचो रिलेशन देख भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंसिटी या वेवलेंथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ, कंफ्यूज मत हो, ये किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे कि एक फोटोन की एनर्जी? एक फोटोन की एनर्जीज है,
बड़ी दफा फंक्शन है। अरे आना बोल, नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, आना बोल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन व्हाट? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ। अगर ये दोनों सेम सरफेस है, इधर देखो, अगर ये दोनों सेम सरफेस है तो ये सेम है, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है तो ये भी सेम है। अरे ग्राफ तो ये बताया दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एफ सेम है कि अलग है? तो इसमें क्या सोचना था इतना? इस इक्वेशन को देख लेते तो तुम्हें समझ आ जाता। अरे एच एफ बराबर फाइव बराबर प्लस ईवी एस है ना, ये लिख रहा भाई ये। ये दोनों का सेम है कि नहीं? ग्राफ क्या बता रहा है दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि अलग? अगर ये सेम है और सेम सरफेस है तो फाइव भी सेम है। अरे तो एफ भी सेम है यार, क्या तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? अरे इसका आंसर क्या है? कितने नंबर दिया था? अब इंटेंसिटी पे बोल। ऐसे कंफ्यूजिंग बहुत सारे सवाल आते हैं, बोल जल्दी बोल। क्या करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? क्या करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? यस यार, करंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द, अब सैचुरेशन करंट देख, एक का ज्यादा और एक का, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा सैचुरेशन करंट, उसमें का ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो ज्यादा निकल रहे हैं, ज्यादा कब निकलेंगे? जब इंटेंसिटी, सिंपल। सैचुरेशन करंट मींस व्हाट? क्या सैचुरेशन करंट ऑफ टू इज ग्रेटर देन सैचुरेशन करंट ऑफ वन? दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द अदर प्लेट इज ग्रेटर देन टू। इट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग इन केस टू इज मोर देन केस वन। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा निकलेंगे? याद कर, इलेक्ट्रॉन का निकलना और कितना निकलना एक बात अलग अलग। इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अरे पर कितने निकले ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। सैचुरेशन करंट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग ज्यादा, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। खत्म। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? तो कौन ज्यादा है, आई टू की आई वन? लिख ले रीजन दोनों का अच्छे से, लिख ले दोनों का रीजन अच्छे से। निकले दोनों का रीजन अच्छे से, बढ़िया सवाल है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सवाल आते हैं, कमी नहीं है। मैं आपको यहां पर और दिखाऊं, देख यहां से। जैसे मान लो अभी करंट कितना है, देख 40, कितना है बोल? इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा बोलो? देख बढ़ गया, देख, दिस इज सैचुरेशन करंट, दिस इज। अरे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो लिख लेंगे। अरे सिंपल, के इंटेंसिटी टू सैचुरेशन करंट। यस यार तुम्हें नहीं आया? अच्छा मेरे ये चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा? क्या मेरे इसके चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ फर्क पड़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अरे यार हाँ ना बोल, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। प्रदर्शन जो बोला चमका, जबकि क्या है? करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे नहीं आया? आया। अरे सोच लो, अरे एकदम पक्का, गारंटीड? और सुन, लिख जो लिखा रहा हूं, लिख। स्टॉपिंग पोटेंशियल
देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस. स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है? सोच के बोल. उधर देख क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन लिखते हैं एच एफ बराबर 5+EVS. क्या डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन? यस और नो? यस और नो? बिकॉज स्टॉप इसी डिजाइन लाइन में स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन. बोलो क्लियर? ठीक है. अरे हाँ ना तो बोल. क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड उसको देख. फोटोन की एनर्जी से मतलब है, टोटल इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं. देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. नेक्स्ट देखो सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन depends on intensity of light. As intensity increases, saturation current increases. डेफिनेटली है ना. हम यह मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क है. हम यह मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं. मानो मेजर दो फैक्टर है एफ और इंटेंसिटी. सोच एफ बढ़ाओ. क्या बढ़ाओ? ध्यान सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं. ध्यान सुनना. एफ बढ़ाओ आई कांस्टेंट. ध्यान सुनना जो कह रहा हूं. स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या कमेंट करोगे? आई कांस्टेंट फाई कांस्टेंट. जल्दी बोलो. स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? सैचुरेशन करंट घटेगा. बहुत अक्कल वाली बातें बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है. ये सब मैं वैसे पढ़ाता नहीं हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. इसलिए अक्कल हो तो मैं समझाऊं, नहीं अक्कल हो तो मैं रहने दूं. रहने दो सर. क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तक लग रहा है कि समझ आया है. आप इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट. इंटेंसिटी इज एफ इज इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ फोटॉन्स लायक फोटॉन्स क्या होते हैं? आई ए अपॉन एच एस. आई उतना ही रखा, ए उतना ही, एच उतना ही, एफ बढ़ाया तो घट गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग तो करंट घट गया ना भाई. अरे तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? हालांकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है.
कि जब मैंने फोटोन बढ़ाया एफ बढ़ाया तो पहले मान लो ध्यान सुनना क्या कॉन्ट्रडिक्शन है पर उसे नहीं कंसिडर करा जाता जे क्या मानती है और क्या मानती है उन्होंने पहले आंसर दिया और मैं आपको बता रहा हूं हालांकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूं इसे कई किताबों में उस पर बात ही नहीं करी हुई पर उस पर बात करेंगे जो जे ने एक बार सही माना हुआ है ठीक है मैं बता भी दूंगा क्या बात का उसमें लोचा है इसलिए बैक्सर किताब उस बारे में बात ही नहीं करती केमिस्ट्री वाले तो बिल्कुल नहीं करते ये देख ध्यान सुन क्या कह रहा हूं मान लो मैंने आपको बोला कि इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कितना है और यहां जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी है एच एफ सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने और मान लो ऐसे गिर रहे हैं 100 कितने गिर रहे हैं 100 और मान लो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए 2 कितने आए 2 इन नंबर ऐसा मान लो 100 में से 100 लाया फोटोन गिरे तो कितने निकले अब सोच मान लो 5 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और अब जो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं जो अपने ये गिर रहे हैं ये मान लो एच एफ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 6 अब सोच इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे 2 होंगे कि 2 से कुछ अलग हो सकते हैं तो इसे यहां पे जो फोटोन था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर आने की पॉसिबिलिटी कम है और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने की पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है तो हम 100% ये नहीं बोल सकते कि 2 ही बाहर आएंगे पर जेई ऐसा मानती है कि नंबर ऑफ क्या मानती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस अपॉन नंबर ऑफ लाइव फोटॉन्स का रेशियो कांस्टेंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ लाइव फोटॉन व्हिच इज नॉनसेंस तुम्हें एक अलग अच्छी इंसाइट दे रहा हूं अक्ल वाली है भाई अगर वर्क फंक्शन 4-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैं से फोटोन गिरा जो 4 के और 6 के किसमें ज्यादा ताकत होगी बाहर लाने की 4 में अच्छा जितने गिरते होते तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी बाहर नहीं आते तो ये एम्बिग्यूटी है रियलिटी में कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर पर आपको क्या मान के करना है वो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइव फोटॉन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस ये याद रखना है हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत और कई किताबें सहमत थी पर जिन्होंने एक बार ऐसा करा था जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंट माना था इसलिए आपको यही मानना है यार मुझे लगा ही तुम्हें आया इसलिए मैंने तुम्हें वो लिखवाया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइट टू लाइट फोटॉन तो ये भी और सोच अगर इसके भी 100 गिरे अरे यार तो सोच इसकी इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी सेम है कि अलग अलग है भाई साहब देखिए 400 है और ये पर सेम इलेक्ट्रॉन गिरे सेम फोटोन गिरे तो अपन ऐसा मानेंगे इलेक्ट्रॉन भी तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा इनमें अरे तुम्हें नहीं आया आया नहीं आया जबकि दोनों की इंटेंसिटी अरे क्योंकि फोटोन की एनर्जी अलग अलग है यार टोटल इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज व्हाट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू नंबर ऑफ हम ये मानते हैं जो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइव फोटॉन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ये एक फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड ये इस बात पर डिपेंड करता है बस कि वो लायक है या हमने मान लिया कि 100 में से एक बाहर आता है तो 100 में से एक प्राण टकेरू हम ये मानते हैं और हम ये मान के ही सारे सवाल करते हैं अब जो मैंने पूछा उसका ध्यान से दे जवाब दे तेरा सोच तुझे उसमें कुछ समझ आया देख सोच 30 सेकंड कोई डाउट पूछ मैं बाहर नहीं बताऊंगा जाते यहां समझ लो मैं ऐसे मैक्सिमम टाइम उसको छेड़ता ही नहीं छेड़ता तो वो भी बहुत खुश रहता पर टाइम है अच्छी डिसीजन कर सकते हैं इसलिए कर रहा हूं वरना नहीं करता मैं बहुत शायद मैंने पूरे जीवन में 3 या 4 बार डिसीजन करा होगा ऐसा 5 बार कर लिया होगा 13 में टाइम नहीं बचता 12th वाले इतना ऐसा कभी होता नहीं है जैसा इस बार हो रहा है सर आप देखना रिजल्ट भी इस बार वाला ही आएगा हम सन्नाटे में ही पहुंच के बता दे आपको तो बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइव फोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग अपॉन नंबर ऑफ रिमेंस कॉन्स्टेंट पहले तो ये बात चमकी ये बात चमकी पीछे कोई डाउट सोच लो
बाहर मत पूछना, अभी पूछ लो, मैं बाहर कुछ नहीं जवाब दूंगा इसका, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, अभी पूछ लो अगर कोई भी मन में डाउट हो तो, मैं क्लैरिटी ला सकता हूं आपको। कुछ समझ आया हो तो कुछ डाउट पूछे ना, अच्छी चीज है, दिमाग वाली चीज है। अब जो मैंने वहां बोला उसे समझ, मैंने बोला कि फाई कांस्टेंट रखो, आई कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फिर तो नंबर ऑफ लाइफ फोटॉन्स तो घट गए ना, नंबर ऑफ लाइफ फोटॉन्स घट गए, नंबर ऑफ लाइफ फोटॉन्स, और ये कांस्टेंट है तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग घट गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग घट गए तो करंट घट गया, तो करंट, तो करंट सैचुरेशन करंट को डिक्रीजेस मानते हैं, सैचुरेशन करंट को, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया नहीं आया, और चर्चा करते बिल्कुल क्या रहती है एकदम। अब उल्टा लिखने का कोई मतलब नहीं कि एफ डिक्रीजेस तो ये इंक्रीजेस, अरे यार वो छोड़ते हैं। अगर एफ कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, बट आई इंक्रीजेस, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, कंफ्यूज हो तो बहुत सारे पैरामीटर एक साथ चल रहे हैं, सो समझ लो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एफ पे डिपेंड करता है, और एफ तो ये क्या है, अरे क्या है, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, ये क्या है, सैचुरेशन करंट, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एफ नहीं, आई कॉन्स्टेंट, एफ कॉन्स्टेंट, फाई इंक्रीजेस या फाई डिग्रीज करो, डिग्रीज, डिग्रीज, फाई डिग्रीज में क्या है, लायक नालायक का खतरा खत्म हो जाएगा, फाई घट रहा है, फाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले एक बात समझो, फाई घटाने का मतलब सरफेस चेंज कर रहे हैं, फाई घटाने का मतलब, ये तो समझ आ रहा है ना, कौन फाई घटाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बड़ा घटा, बड़ा घटा, सोच लो, बड़ा घटा, बड़ा घटा, फाई कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, इस सवाल के आंसर के लिए यही चलते हैं, हाई कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, अरे हाँ ना तो बोल, है ना, सैचुरेशन करंट दिख रहा है, अपन फ्लक्स वर्क फंक्शन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे, बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ करंट का, क्या रहा, अब लॉजिक सुन, अरे जितने फोटॉन गिर रहे थे वो तो अभी भी गिर रहे हैं, आई कांस्टेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो भी उतने ही, और सैचुरेशन करंट है तो जितने पहुंच रहे थे उतने, तो फिर क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, कंफ्यूज हो गया, प्रैक्टिकली सोच है, कहां बढ़े, इंटेंसिटी तो उतनी है, इंटेंसिटी कहां बढ़ी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग क्या डिपेंड्स ऑन लाइव फोटोन, लाइव फोटोन बढ़ी नहीं उतनी, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग उतनी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर सेकंड में क्या चेंज आया, वो तो उतना ही है भाई, अरे यार वो तो अच्छा, हालांकि ये 100% अपन गारंटी, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस चेंज होता है वैसे वैसे रेशो भी, तो अपन गारंटी से इसको कुछ भी बोल, पर एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिखाया गया, इससे सो नहीं भी चर्चा करो तो भी चलेगा, और खतरनाक चर्चा करी है मैंने आपसे, इट्स नॉट ए इजी टास्क टू अंडरस्टैंड इट, इतना धीरे धीरे चीजों को समझो तो उसकी एग्जैक्ट फील कि कैसे एक्सपेरिमेंट काम करता है, फिर अतः जो मैं बोला क्या चमका, yes, या प्राण पखेरे उड़ गए, मैंने आपको ना फोटोमेट्री इफेक्ट की इनसाइट ज्यादा दी है, क्या चीज, बाकी डिस्कशन के दौरान हम न्यूमेरिकल तो करेंगे ही,
पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं रिलेटिव में, कैसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कुछ कुछ फील आई है सन्नाटे में पहुंच गए? अरे पक्की बात? अरे सोच लो बाकी और भी कुछ किस प्रकार। तो अपन ने इस पर लिखी है, यहां पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो नो कमेंट इस वाली जगह पे। और ये उतार लो सब, ये उतारो सब, ये रखना हमेशा मानते हैं। उतार लिया। मान लो कि ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप है, इसमें ध्यान तुम्हें जो कह रहा हूं, इस सेटअप में ऐसे ही अपना ठीक, हमने मान लो कि बैटरी लगाई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, ऐसे बैटरी लगाई 4 वोल्ट की, कितने की, यहां जो फोटोन गिरे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान सुनना सवाल, यह बैटरी कितनी लगाई, 4 वोल्ट की, जो फोटोन गिरे यहां वो कितने के, ये कितने का, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन मिले उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज मेरा सवाल सबको चमका, ध्यान सुनना सवाल एक बार और, जो फोटोन गिरे उनकी एनर्जी कितनी, 5, जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, जो बैटरी लगाई वो ऐसे 4 वोल्ट की लगाई, तो इस प्लेट पर पहुंचते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स मिले उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मिली उसकी रेंज क्या है, अकल का सवाल है, अकल अकल, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। चलो बोलो जल्दी बोलो, ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे, क्या सवाल सबको क्लियर है, क्या सवाल सबको क्लियर है, नहीं आया ना नाटी बॉय, जल्दी बोलो, सब अपना अपना आंसर सोच लो। हालांकि तुम्हें फोटोलॉजी इफेक्ट पढ़ा के बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ, बिल्कुल ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल ऐसा लगा कि तुमने पहले कभी सुना भी नहीं था। मतलब तुम टीचर को बिल्कुल फ्रेश फीलिंग कराते हो ना, है ना? अनीता, अनीता के साथ कितने लोग, बसंती शर्मा मत, बहुत ऑप्शन है, चप्पा बहुत बढ़िया, डॉली डॉली, डॉली ईशान, Thank you.
फिजा 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 नाउ लिसन टू मी वेरी बहुत सिंपल. जो इलेक्ट्रॉन यहां से जीरो रफ्तार से भी निकलेगा ना उसको भी यहां चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे हा ना बोल. जो यहां पहुंचेगा उसको यहां पे चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा. यार तुम्हें नहीं आया. जो यहां इलेक्ट्रॉन जीरो के साथ निकला उसकी एनर्जी यहां कितनी हो गई? चार. जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला पांच. जो दो से निकला जो तीन से निकला सब तीन से ज्यादा निकल नहीं सकता तो चार से सात खत्म. सिंपल है. पता नहीं कितना. अरे भाई जो भी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से यहां से निकलेगा ना उसमें चार और जुड़ जाएगा लॉजिकली सोच. अरे बैटरी चार एनर्जी दे रही है ना यार तो जितनी भी एनर्जी से निकलेगा वो या चार और जुड़ जाएगा. यहां एनर्जी होगी या तो जीरो या फिर तीन. जीरो से तीन के बीच में तो जीरो में चार जोड़ दो चार और तीन में चार जोड़ दो सात. तो चार से सात. तो चार से चार से चार से चार से चार से तुम्हें दूर दूर से कुछ भी समझ. तो फोटोलेट्री इफेक्ट. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद व्हाट? मैटर वेव्स. क्या चीज? विल स्टार्ट विद मैटर वेव्स. आप